कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के साथ साथ कई सामाजिक संगठन भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है पर्यावरण दोस्त सामाजिक संगठन, जो पूरे कोरोना काल में स्लम बस्ती के लोगों की मदद कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर काम करता रहा है। अब कोरोना के संक्रमण दौर में पर्यावरण दोस्त की पूरी टीम की तरफ से स्लम एरिया और शहर के कई इलाकों को मुफ्त में सैनिटाइज कराया जा रहा है और इसका मुख्य मकसद रांची जिला को कोरोना मुक्त कराना है। संस्था के ही तर्ज पे अभी कोरोना का जो समस्या है उसी पे मैं अपना भी कुछ योगदान दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ कोरोना का केस निकल रहा है लेकिन लोग सैनिटाइज नहीं करा पाते हैं अपने घर के आसपास, तो हम लोगों ने अपने स्तर से निशुल्क जहाँ जहाँ लोग हैं उन क्षेत्रों को सैनिटाइज करवा रहे हैं ताकि एक आम आदमी का भी कुछ योगदान रहे इस कोरोना के जंग में। गौरतलब है कि रांची के कई इलाकों में पर्यावरण दोस्त की पूरी टीम की तरफ से हर दिन सैनिटाइजेशन कराया जाता है। इसके साथ ही साथ शहर के अलग अलग थानों, पुलिस पोस्ट को भी सैनिटाइज किया जा चुका है। पर्यावरण दोस्त की मेंबर डॉक्टर शीला तिवारी भी मानती हैं कि समाज के अन्य लोग भी इस तरह का काम करेंगे तो शहर कोरोना मुक्त हो जाएगा। चूंकि कोविड का टाइम चल रहा है, सभी को मालूम है कि पेंडेमिक सिचुएशन है और इसमें प्रिकॉशन के साथ साथ हम लोग को सोशल डिस्टेंस, ग्लव, मास्क की ज़रूरत है। तो मेरा एक ही है कि हम लोग पर्यावरण दोस्त के माध्यम से जो है हम लोग ये सैनिटाइज़र का जो है प्रयोग करवा रहे हैं जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है सेफ्टी व्यू से। रांची नगर निगम के अंतर्गत 53 वार्ड आते हैं और ऐसे में सामाजिक संगठन के आगे आकर सेवा कार्य करना समाज के लिए एक मिसाल है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अभिदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट।